हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, और यूजी सेमेस्टर 3 के कोर्स में जो पेपर 6 है, पेपर 6 जो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो पेपर है, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन के प्रकार। और इसके अंतर्गत हमें हम जो है एकात्मक और संघात्मक, यूनिटरी एंड फेडरल, या जो सरकार शासन के जो प्रकार हैं उसकी चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। आज हम जानेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और संघात्मक फेडरल जो सिस्टम है या शासन की जो व्यवस्था है उसमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो शक्तियों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन प्रणालियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला संघीय शासन प्रणाली और दूसरा एकात्मक शासन प्रणाली या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आदि जो देश हैं उनमें प्रणाली की व्यवस्था है, और वहीं ब्रिटेन, फ्रांस, नेपाल आदि देशों में एकात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का प्रयोग जो होता है वह एक ही स्थान से होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि शक्तियों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन प्रणालियों को 2 भागों में बांटा गया, एक आपका संघीय और दूसरा एकात्मक या संघात्मक। तो एकात्मक शासन प्रणाली में जो शक्तियाँ होती हैं वो एक स्थान पर केंद्रित होती हैं। शासन प्रणाली की संपूर्ण शक्तियों का एक केंद्रीय, संपूर्ण जो शक्तियाँ होती हैं एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है, और पूरे देश के लिए एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका होती है। एकात्मक देशों में भी स्थानीय सरकारें होती हैं, बल्कि उन्हें शक्तियां केंद्र के सरकार के द्वारा जो है वो दी गई होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वहाँ सरकार, राज्य सरकारें नहीं होती हैं, केंद्र के द्वारा दी गई होती हैं। अब हम देखते हैं एकात्मक जो शासन व्यवस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसे कि इसमें जो व्यवस्था या अलिखित, दोनों प्रकार का संविधान होता है या हो सकता है। एक ही सरकार होती है, केंद्रीय सरकार में नीत होती है। स्थानीय सरकारों को केंद्रीय शासन द्वारा शक्तियाँ मिलती है, और स्थानीय और इनमें कटौती भी की जा सकती है। इनमें प्रशासनिक जो सुविधा होती है, सुविधा के लिए देश में कई इकाइयों में बांटा जा सकता है, लेकिन सत्ता का अंतिम स्रोत जो होती है वो केंद्रीय सरकार होती है।
एकात्मक शासन में बहुत से गुण होते हैं, जैसे कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था है वो संगठित होती है, संगठित शासन व्यवस्था मानी जाती है। शासन बहुत ही लचीली होती है। शासन की सभी शक्तियाँ केंद्रीय अधिकारियों में होती है, इसलिए शासन में एकता पाई जाती है। एकात्मक शासन एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था होती है एवं किसी भी जल्द निर्णय के लिए जो है यह एक सक्षम होती है। एकात्मक शासन जो है वो कम खर्चीला भी होता है, क्योंकि सारी शक्तियाँ एक जगह केंद्र में स्थित होती हैं, वहीं से सब गाइड होती हैं, क्योंकि इसमें केंद्र और स्तरों पर दो प्रकार की संस्थाएं नहीं होती हैं। इसके बाद हम एकात्मक शासन प्रणाली की जो आलोचना देखेंगे कि उसमें क्या है, तो एकात्मक शासन प्रणाली की कई आधारों पर आलोचना की जाती है, जैसे कि अधिक केंद्रीकरण के कारण स्थानीय स्वशासन का विकास जो होता है अवरुद्ध हो जाता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जो अवरुद्ध हो जाता है, और अधिक केंद्रीकरण होने के कारण शासन जो है स्वेच्छाचारी होने का भी भय होता है। यह शासन प्रणाली उन देशों के लिए अनुपाल जनसंख्या है, अलग अलग भाषा रीति रिवाज के लोग रहते हैं, छोटे देशों के लिए यह ठीक है लेकिन बड़े देशों के लिए यह अनुपयुक्त है। और कई विद्वान जो हैं एकात्मक शासन प्रणाली को लोकतंत्र का विरोधी भी कहते हैं। आज अनेक देशों में एकात्मक सरकार ऐसे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जापान, अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों में। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, वहाँ एकात्मक शासन के रूप में केंद्रीय सरकार है और इस केंद्रीय सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राजा होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के पास होती है। ब्रिटेन में स्थानीय सरकारें भी हैं लेकिन इन सरकारों को संविधान के द्वारा शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, बल्कि ये शक्तियाँ केंद्र के द्वारा इन्हें दी गई हैं। पूरे ब्रिटेन में एक ही तरह की दीवानी एवं आपराधिक कानून है। पूरे देश के लिए कानून बनाने की अधिकार जो है वो संसद को है, वहाँ की पार्लियामेंट को है, अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड जो है, वहाँ की पार्लियामेंट की दोनों जो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, उनको प्राप्त है। ब्रिटेन में शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है, सभी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास होती हैं और शक्तियों पर संविधान की कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान जो है लिखित नहीं है, अलिखित है, एवं सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार नहीं है, जैसा कि संघीय देशों में होता है। तो इस तरह से जो ब्रिटेन जो है एकात्मक शासन जो प्रणाली है उसके अंतर्गत आता है। दूसरा जो देश है फ्रांस, फ्रांस में भी एकात्मक शासन है, व्यवस्था है, लेकिन पूरा देश प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित है जिन्हें विभाग कहा जाता है, और इन विभागों को प्रांतों में तथा कम्यूनों में तथा प्रांतों में अन्य इकाइयों में विभाजित किया गया है। ये स्थानीय अंग केंद्रीय सरकार के एजेंट होते हैं और समस्त सत्ता अंदर की ओर, ऊपर की ओर और एक ही ओर केंद्र में जाकर मिलती है, और कम्यून से लेकर मंत्रालय तक प्रशासन एक कड़ी में जुड़ी हुई होती है। तो ये थे कुछ एकात्मक जो व्यवस्था है, एकात्मक शासन की जो व्यवस्था है
उसके कुछ गुण थे, कुछ अवगुण थे, और कुछ देश में जहाँ पे हैं जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस आदि में, तो उसका मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया। तो जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ लिखित संविधान नहीं होता, और उस वहाँ पे जो है शासन का केंद्रीकरण होता है, सत्ता एक जगह केंद्रित होती है, केंद्र में राज्य होते हैं, लेकिन उनको शक्तियाँ संविधान के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र के द्वारा दी जाती हैं, पृथक्करण नहीं होता है, और पूरा पूरा जो राज्य का शासन व्यवस्था भार जो है वो केंद्रीय शासन के अधीन होकर काम करती है, और उसका जो प्रमुख जो होता है वो राजा होता है, और ये सारे जो हैं एकात्मक शासन प्रणाली के जो हैं वो गुण हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे संघात्मक या संघीय फेडरल जो गवर्नमेंट है या शासन प्रणाली है उसके क्या गुण और विशेषता है। तो जिस शासन व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, मतलब सत्ता किसी एक जगह पर केंद्रित ना होकर अलग अलग जगहों पर केंद्रित होती है, तो और शासन की जो शक्तियां का प्रयोग एक स्थान से ना होकर कई स्थानों से होता है, तो इसे संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। संघ का अंग्रेजी रूपांतरण फेडरेशन है, और लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संधि या समझौते, अर्थात संधि या समझौते के द्वारा पर आधारित सरकारें संघीय सरकार कहलाती हैं। संघीय सरकार की कुछ विशेषता होती है जैसे कि लिखित संविधान का होना, शासन की शक्तियों का दोहरा प्रयोग होना जैसे कि केंद्र एवं इकाई, केंद्र एवं इकाई के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, इकाइयों का प्रादेशिक अखंडता, अनुल्लंघनीय कठोर संविधान, व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व आदि जो है संघात्मक शासन व्यवस्था के की कुछ विशेषताएं होती हैं। किसी भी संघीय प्रणाली वाले देश में लिखित संविधान का होना आवश्यक है, क्योंकि संघीय शासन की स्थापित करने के लिए जो संधियां की जाती हैं उस संधियों और शर्तों का उल्लेख जो होता है वो संविधान में ही होता है। लिखित संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ होता है वो भी संविधान में लिखित रहता है। संघीय देशों में शासन की शक्तियों का दोहरा प्रयोग जो है वो होता है। संघीय देशों में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार और दूसरी राज्य की सरकारें। संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, क्योंकि यदि केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो यह स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष होकर उन विवादों को दूर करने का काम करती है। संघीय सरकार के और भी बहुत सारे गुण होते हैं, देश की एकता, स्थानीयता के बीच सामंजस्य स्थापित करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है स्थानीय स्तर पर, स्वशासन की स्थापना होती है, संघीय शासन के अंतर्गत कई निर्बल राज्य मिलकर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करते हैं। यह शासन विशाल देश के लिए बहुत उपयुक्त है, जो बड़े
देश हैं उसके लिए बहुत उपयुक्त है। और जिस देश में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं उस देश के लिए भी यह उपयुक्त है, संघीय शासन व्यवस्था। और उन राष्ट्रों के लिए भी शासन व्यवस्था यह बहुत ही उपयुक्त होती है। इस संघीय शासन व्यवस्था में भी अनेक दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह है कि राष्ट्रीय एकता को खतरा रहने की संभावना होती है, क्योंकि शक्तियां जो है केंद्र और राज्य में विभाजित होती हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय एकता को खतरा बना रहने की संभावना हो सकती है। संघीय शासन में आंतरिक शासन निर्बल रहता है। संघीय शासन व्यवस्था आंतरिक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय में भी बहुत निर्बल हो जाता है। केंद्र एवं इकाइयों की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व निश्चित करना कठिन होता है, क्योंकि शक्तियां जो है वो केंद्र और राज्य में विभाजित होती हैं। इसलिए राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी नहीं कर सकती हैं और केंद्र को ज़्यादा शक्ति यहाँ प्रदान की गई रहती है। शक्तियों का विभाजन किया गया रहता है और इन सब का विवरण जो है संविधान के अंतर्गत होता है। संघीय जो सरकार हैं के निर्माण की दो प्रवृत्तियां हैं। पहली जो उन्मुख सेंट्रीपिटल, दूसरा केंद्रोभिमुखी प्रवृत्ति है। जब कई स्वतंत्र राज्य आपस में आपसी समझौते के द्वारा एक संघीय सरकार की स्थापना करते हैं तो वैसे केंद्रोन्मुखी कहते हैं। जब स्वतंत्र कई राज्य मिलकर जो है वो आपसी समझौते के माध्यम से जो है वो संघीय शासन स्थापित करते हैं तो उसे केंद्रोन्मुख शासन व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि अमेरिकी संघ। दूसरी ओर जब एकात्मक शासन वाला कोई देश कई इकाइयों में बंटकर संघीय सरकार की स्थापना करता है तो उसे केंद्रोभिमुखी प्रवृत्ति कहते हैं। और इसका उदाहरण है भारतीय संघ। आज विश्व के अनेक देश में संघीय शासन प्रणाली है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, नाइजीरिया आदि। तो ये कुछ संघात्मक जो शासन व्यवस्था थी उसके गुण को हमने देखा, उसमें जो कुछ कमियां हैं उनको देखा। और इसमें दो प्रवृत्ति के जो शासन व्यवस्था होती है स्थापित की जाती है उन प्रवृत्तियों को देखा। इसमें जो है लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। और इसमें इन सब के बावजूद लिखित संविधान होता है जिसमें शक्तियों और सारे चीज़ को लिखित रूप से लिखा गया रहता है। और इन सब के बावजूद इसमें कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि ऐसे राष्ट्रीय जो राज्य जो होते हैं उनको एकता को होती है, क्योंकि संघ और राज्य में ये विभाजित होते हैं, कोई भी निर्णय लेने में टाइम लगता है। और इस तरह से जो आंतरिक शासन जो है वो निर्बल हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी ऐसे शासन व्यवस्थाएं दुर्बल होती हैं। और केंद्र और इकाइयों के बीच जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो ये भी एक समस्या होती है।
संघीय सरकार की दो प्रवृत्तियां जिसके बारे में हमने बोला, केंद्रोन्मुखी जिसका एग्जाम्पल अमेरिका है, और केंद्रोविमुखी जिसका एग्जाम्पल जो है भारत है। जब राज्य, जब स्वतंत्र राज्य मिलकर समझौते के माध्यम से किसी संघ का निर्माण करते हैं तो वो आपका केंद्रीय केंद्रोन्मुख हो जाती हैं, उन्मुखी प्रवृत्ति कहलाती हैं, और जब जो किसी शासन वाला देश जो है अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में इकाइयों में बंटकर संघीय व्यवस्था, संघीय सरकार की स्थापना करते हैं तो वह केंद्रोविमुखी हो जाता है। तो दो तरह की प्रवृत्तियां जो है वो संघात्मक सरकारों में देखने को मिलती है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसको, इस संघीय व्यवस्था को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम जो अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जैसा कि मैंने बताया 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, और मिलने के बाद 13 राज्यों ने मिलकर संघीय शासन प्रणाली की स्थापना वहाँ पे की। और संघीय शासन प्रणाली की सभी विशेषताएं जो हैं अमेरिका में पाई जाती हैं, जो मैंने इसकी विशेषताएं बताई हैं। अमेरिका विश्व का एक ऐसा देश, पहला देश है जिसने लिखित संविधान को अपनाकर अमेरिकी संविधान 1789 में लागू किया गया, और इस संविधान के द्वारा वहाँ के संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में के अंतर्गत 50 इकाइयाँ हैं जिन्हें राज्य कहते हैं। इन राज्यों की प्रत्येक की अपनी अपनी सरकारें होती हैं। जितने भी ये 50 राज्य हैं उनकी अपनी अपनी सरकारें होती हैं। इन राज्यों के प्रधान को गवर्नर या राज्यपाल कहा जाता है, जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका में संघीय संविधान के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य का अपना अपना संविधान होता है। राज्यों के संविधान पर यह शर्त लगाई जाती है कि वह केंद्रीय जो संविधान है उसके विरोधी नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी संघीय सरकार के अनुच्छेद 1 की सेक्शन 8 में एवं 10 में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अमेरिकी संविधान में शक्तियों के विभाजन के लिए गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। गणना और अवशेष के सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख एवं बाकी सभी शक्तियां जो है राज्यों को दे दी गई हैं। इस प्रकार अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं, लेकिन भारत में ये शक्तियां केंद्र के पास है। अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख संघीय विशेषता यह है कि यहाँ दोहरी नागरिकता का होना है। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत प्रत्येक अमेरिकी नागरिक अपने अपने राज्यों का भी नागरिक होता है। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, और इस सर्वोच्च न्यायालय को कि वह संघीय एवं राज्य के बीच होने वाले मुकदमे की सुनवाई करे। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत वह संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्य कार्यपालिका और राज्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, परीक्षण कर सकता है,
और उसे अवैध भी घोषित कर सकता है। प्रत्येक संघीय प्रणाली वाले देश में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है, जिसमें ऊपरी सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है अपर हाउस में। अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन में बड़े राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में सदस्यों की कुल संख्या 100 है, क्योंकि 50 राज्य है तो दो दो दिया गया है, तो 100 हुए, दो दो प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य से। उसकी जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो है, जो सीनेट के जो मेंबर हैं उनकी संख्या 100 है, क्योंकि 50 राज्य हैं तो सभी राज्यों से दो दो सदस्य जो हैं वो लिए जाते हैं। अमेरिका में राज्यों को प्रादेशिक अखंडता को अनुल्लंघनीय बनाया गया है। अमेरिकी कांग्रेस बिना राज्यों के सहमति के राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। अमेरिका में निहित शक्तियों के सिद्धांत ऑफ इम्प्लाइड पावर के कारण केंद्रीय सरकार की शक्तियां अधिक बढ़ जाती हैं। निहित शक्तियों का सिद्धांत का उदय अमेरिका के 1819 में मैक्लोए बनाम मैरीलैंड मुकदमे में हुआ है। तो ये थी अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था है और उसके अंतर्गत जो वहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो केंद्रीय जो सत्ता है उसको ज़्यादा शक्तिशाली दिया गया है, कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर जो है उनके पास होती हैं, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को दी गई रहती हैं। दोहरी नागरिकता होती है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, शक्तियों के पृथक्करण के इसको सिद्धांत को माना जाता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, अपर हाउस और लोअर हाउस, और अपर हाउस में प्रत्येक राज्यों से समान प्रतिनिधित्व लिए जाते हैं। तो ये अमेरिकी संघीय व्यवस्था के कुछ गुण थे। अब हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड, जो कि एक संघात्मक शासन व्यवस्था वहाँ भी अपनाया गया है, तो वहाँ की संघीय सरकार की क्या विशेषता है या उसको क्या शक्तियाँ हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो 1848 में स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार स्विट्जरलैंड को एक राज्य मंडल घोषित किया गया था, और 1874 में इस संविधान में पूर्ण संशोधन किया गया, और अभी भी संविधान के अनुसार स्विट्जरलैंड को राजमंडल घोषित किया गया है। लेकिन आज स्विट्जरलैंड एक संघ ही है। स्विट्जरलैंड में इकाइयों को कैंटन कहते हैं। वहाँ पूर्ण कैंटनों की संख्या 9 है और अर्ध कैंटनों की संख्या 6 है। स्विट्जरलैंड में कठोर संविधान, जिसमें संशोधन के लिए यह आवश्यक है कि संघीय सभा से पारित होने के बाद ऐसे प्रस्तावों को जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह में बहुमत जनता बाद ही इन कैंटनों की राय ली जाती है, एवं आधे से अधिक कैंटनों के द्वारा पारित होने के बाद ही संविधान में कोई संशोधन होता है। स्विस संविधान में शक्तियों के विभाजन के लिए अमेरिकी संविधान की तरह ही अवशेष एवं गणना के सिद्धांत को अपनाया गया है। संघीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख संविधान में कर दिया गया है, एवं शेष शक्तियां जो है राज्यों को दे दी गई हैं। स्विस संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर संघ तथा कैंटन
दोनों को कानून बना सकते हैं, लेकिन संघ और कैंटनों के कानूनों में गतिरोध या विरोध संघीय कानूनों को ही प्राथमिकता दी जाती है। स्विस स्विट्जरलैंड में एक की भी व्यवस्था की गई है जिसे संघीय न्यायाधिकरण कहा जाता है। यह संघीय न्यायाधिकरण संघ एवं कैंटनों के विवादों को सुनता है। संघीय न्यायाधिकरण को न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह सिर्फ कैंटनों के कानूनों का ही परीक्षण करता है, संघ के कानूनों का नहीं। अतः संघीय न्यायाधिकरण अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तरह शक्तिशाली नहीं है। स्विट्जरलैंड के सभी कैंटनों के अपने अपने संविधान होते हैं, लेकिन कैंटनों के संविधान संघीय संविधान से के विरोधी नहीं होते। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका के उच्च सदन में सभी कैंटनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और व्यवस्थापिका के उच्च सदन को राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, जैसे सीनेट कहते थे अमेरिका में, उसी तरह से इसको यहाँ पे जो है काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और भारत में राज्यसभा कहते हैं। तो काउंसिल जिसकी सदस्य संख्या 44 है और इस राज्य परिषद में प्रत्येक पूर्ण कैंटन को दो दो और अर्ध कैंटन जो होते हैं उनसे एक एक प्रतिनिधि जो है वो चुनकर आते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत प्रत्येक स्विस नागरिक को तिहरी नागरिकता प्रदान की गई है, संघ की नागरिकता, कैंटनों की नागरिकता और कम्यून की नागरिकता। लेकिन स्विट्जरलैंड में तीन तरह की नागरिकता, एक तो स्विट्जरलैंड उस देश की, दूसरा उस जिस राज्य में है उसकी, और जिस गांव या क्षेत्र में है वो उसकी। तीन तरह की नागरिकता यहां पे दी जाती है लोगों को। स्विट्जरलैंड में कैंटनों को पड़ोसी देशों के साथ संधियां करने का अधिकार है। कैंटनों को पड़ोसी राज्यों से सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, पुलिस तथा सीमा मामलों में संधियां करने का अधिकार भी है, लेकिन कैंटन विदेशी राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध नहीं स्थापित कर सकता। स्विट्जरलैंड में इकाइयों को एक ऐसा अधिकार है जो अन्य संघीय इकाइयों को प्राप्त नहीं होता। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी कैंटन 300 की संख्या तक अस्थाई सेना रख सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये अधिकार जो है सिर्फ स्विट्जरलैंड के में ही है, कि संघीय व्यवस्था में ही है कि अस्थाई सेना जो है वो कैंटन्स जो है वो रख सकता है। बाकी के अलग और जो संघीय देशों की हमने चर्चा की उसमें नहीं है ये। इसके बाद हम लोग, मतलब इसमें बहुत सारी समानता थी अमेरिकन के जो इससे जो संघीय व्यवस्था है उससे, लेकिन चूंकि यह बहुत छोटा सा देश है तो यहाँ पे तिहरी नागरिकता जो अंतर था वो है कि तिहरी नागरिकता यहाँ पे दी गई है। कैंटनों को सेना की रखने का अधिकार दिया गया है, बाकी तो जो समानता उसमें थी इसमें है, लेकिन कुछ ये जो है उससे भिन्न है दो तीन चीज़ से लेकर, बाकी शक्तियाँ जो है लगभग ऑलमोस्ट समान है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे एक और जो इम्पोर्टेंट संघीय व्यवस्था है जो भारत है, भारत देश है, तो इसमें किस तरह के संघीय ढांचे को संघीय रूप को अपनाया गया है, भारत में जो संघीय सरकार है उसका क्या स्वरूप है इसको देखेंगे। तो 1950 में भी एक नए संविधान के द्वारा
संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई भारत में, 47 में आज़ाद हुआ, 50 में जब हमारा संविधान बना तो यहाँ पे एक संघीय सरकार या शासन प्रणाली की स्थापना की गई। हालांकि भारतीय संविधान में फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द कहा गया है, यहाँ पे फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई है, कही गई थी 1935 का जो अधिनियम था उसमें, लेकिन यह संघ स्थापित नहीं हो सका था क्योंकि जो राजा लोग जो थे, जो उस समय थे, उसमें इसमें शामिल नहीं हुए थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय प्रावधान मुख्यतः 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, और संघीय शासन की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत में लिखित संविधान की व्यवस्था है। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन दोनों का इसमें सम्मिश्रण किया गया है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, भारतीय संसद के दोनों सदन सिर्फ साधारण बहुमत से कानून बना सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के संघीय प्रावधान में जैसे अनुसूची 7, शेड्यूल 7 आदि में संशोधन तभी हो सकता है जब संसद के विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों के विधानमंडल में भी वो पारित हो। कुछ विषय ऐसे भी हैं। भारत में शासन की शक्तियों का दोहरा प्रयोग किया जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर एक सरकार है एवं इकाइयों स्तर पर अलग अलग 28 राज्यों में सरकारें हैं। केंद्रीय या संघीय स्तर पर जहां राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, वहीं राज्यों के स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और संविधान के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है, संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघीय सूची के विषय पर संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र के कानून ही मान्य होते हैं। संघीय शासन की आवश्यकता के अनुरूप भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र एवं राज्य दोनों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र एवं राज्य के कानूनों को संवैधानिक परीक्षण कर सकता है। वह किसी कानून को संविधान की धाराओं के प्रतिकूल पाए जाने पर असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। भारतीय संघीय व्यवस्था का झुकाव एकात्मकता की ओर है। संविधान है जो एक मजबूत केंद्र की स्थापना करते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मकता के अनेक तत्व हैं, जैसे दोहरी नागरिकता के स्थान पर
एकहरी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, राज्यसभा में सभी राज्यों से अलग अलग प्रतिनिधित्व, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को दिया जाना आदि। जो बाकी के जो संघाता है उसमें ये व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो इस तरह से एक तरह से हम कहें तो हम संघात्मक होते हुए भी हमारा जो झुकाव है, भारत देश का जो शासन प्रणाली का जो झुकाव है, एकात्मकता जो के जो गुण हैं, एकात्मक सरकार या शासन व्यवस्था के जो गुण हैं उसको भी इसमें समाहित किया गया है। और इस तरह से कनाडा में भी 1867 में संघीय संविधान को स्वीकार किया गया, और ऑस्ट्रेलिया में भी 1961 में संघीय शासन प्रणाली को की स्थापना की गई है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो शासन के जो प्रकार हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, और अलग अलग तरह के जो प्रकार हैं, जिसमें हमने आज देखा कि एकात्मक जो व्यवस्था है, यूनिटी जो सिस्टम है, और जो फेडरल सिस्टम है शासन का, जो ये दो स्वरूप है जिसको उसके शक्तियों के केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण के आधार पर विभाजित किया गया है, उसको हमने देखा कि किस तरह से उसमें ये दोनों सरकारें अच्छी हैं और दोनों में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, और इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न देशों के द्वारा इस तरह के जो शासन विधि हैं या शासन के जो प्रकार हैं उनको अपनाया गया है। जैसे कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जापान, अफगानिस्तान आदि में एकात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंडिया आदि जो देश हैं उसमें संघीय, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब में संघीय शासन प्रणाली को स्वीकारा गया है। और भारत में तो संघीय शासन प्रणाली के साथ साथ इसमें कुछ एकात्मक गुण भी पाए जाते हैं, जैसे कि एकहरी नागरिकता, शक्तियों का को राज्यों को ना दके केंद्र में, केंद्र को ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एकात्मकता की ओर भी झुकाती हैं। कि ये शासन के प्रकार थे, और आज हमने जाना कि जो संघात्मक व्यवस्था है और एकात्मक व्यवस्था, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या गुण हैं, और विभिन्न देशों में जो इसके स्वरूप को अपनाया गया है तो उनमें क्या विभिन्नताएं हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन वहाँ लिख सकते हैं। बहुत जल्द हम नए चैप्टर के साथ फिर आप के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।